और मित्रों ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि यहाँ के जो लड़के हमारे नौजवान राजस्थान से है, इंडिया से है, उन लोगों को देख के मेरे को दया आ गई। कहने का मतलब ठीक है, वो नौकरी करने के लिए इधर आ तो जाते हैं, पर उनको ये पता नहीं रहता कि हमारे जो पासपोर्ट जो वीजा लगाया है वो कौन सा है। हाँ सैलरी मिल जाती है, 30-40 हज़ार आपको मिल जाती है, अगर आप अच्छे काम करते हो तो 50 हज़ार भी मिल जाती है, 50 हज़ार। पर तो कोई ऐसे बंदे उनको बेचारे को 20 हज़ार ही मिल जाती है, तो इंडिया में 15-20 हज़ार, 15 हज़ार, 10 हज़ार तो मिल ही जाती है, तो फिर इधर आने से फायदा क्या है। तो ये डबल देख के ऐसा लालच में आके मत पड़ो। उनको ये पता नहीं है कि जो वीजा लगा हुआ है मलेशिया का वो कौन सा है। वीजा हर प्रकार के अलग अलग आते हैं भाई, टूरिस्ट वीजा आता है, बिजनेस वीजा आता है, वर्कर वीजा आता है, बहुत VIP बहुत अलग अलग तरफ के वीजा आते हैं। उन लोगों को पता नहीं रहता कि भाई आखिर में वीजा कितने प्रकार के आते हैं और आके यहाँ पर फंस जाते हैं। मेरे भी मतलब बहुत इंडिया से भी मैसेज आते हैं, सदन पे आप इतना घूमते हो तो हमारे लिए भी कोई मतलब ये करो, मदद करो कोई नौकरी के लिए वगैरह। देखो भाई बाहर रहना जितना आसान नहीं है जितना हम इंडिया में रहते हैं, मैं पहले भी इस चीज़ के लिए बोल चुका हूँ, क्योंकि मान लो हम मुंबई में रहते हैं या चेन्नई में रहते हैं, इंडिया में किधर भी रहते हैं, जितनी हमारे को मतलब मर्जी हो गई जाने का है तो हम जा सकते हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर मैं मलेशिया में कुआलालंपुर में बहुत लोग मिला मैं राजस्थान से, ठीक है, कोई चुरू से थे, कोई भीलवाड़ा से थे, बहुत थे, और बैठ के बात हुई कि भाई साहब मेरे को वीडियो में मत लेना, जो भी चीज़ मैं हकीकत बता रहा हूँ, हम बहुत दुखी हैं। एक और दोस्त का इंडिया से मेरे पास कॉल आया था कि भाई मेरा भाई फंस चुका है वहाँ पर, तो ऐसा होता है। तो हमेशा ध्यान रखो भाई, मेरा कहना मतलब यही है कि आपको पहले देखना है कि आपके पास टूरिस्ट वीजा पे हो या आपके 2 रुपए के लालच में आपको एजेंट क्या करते हैं, उनको कमाई का मतलब है, ठीक है, उनको दूसरा कुछ मतलब नहीं रहता है, उनको 5 हज़ार मिल गया है तो उसको क्या फायदा ही है, नुकसान क्या है। तो ये आखिर ऐसा होता है, लोगों को पता नहीं रहता। टूरिस्ट वीजा पे आते हैं, 1 महीने के लिए वीजा रहता है, 2 महीने का वीजा रहता है, बाद में उसका वैलिडिटी खत्म हो जाता है, बाद में साल 2 साल भर कमाओ, लास्ट में फिर वो जो भी है उसका मतलब आप सरेंडर होते हो तो जेल भी काटनी पड़ सकती है, कभी सालों कभी महीनों। तो ये परिवार के लिए अच्छा संदेश नहीं है, कभी कभी फाइन भी बड़ी लगती है, तो फिर इसमें ये ऐसे ये छोरी छोरी की कमाई अपन के काम की नहीं है भाई लोगों। तो मेरा ये कहना है आप ये छोरी छुप के जितने भी कंट्री में जा रहे हो, किसी भी कंट्री में, तो बच के रहो भाई, जो भी अलीगल मत जाओ, लीगल में जाओ। लीगल में जाते हो तो क्या है कि अगर आपके स्टम्प आपके पासपोर्ट पर थप्पा लग गया कौन सा कंट्री का, अच्छा कंट्री का वीजा का, तो आपकी वैल्यू बढ़ती है। अगर आप कौन सी कंट्री में और कभी जाओगे घूमने के लिए कैसे भी, तो आपको कोई सी दिक्कत नहीं है। अगर पासपोर्ट पे आपके एक बार ही डिपोर्ट का थप्पा लग गया या सिक्योरिटी रीजन से आपका कुछ थप्पा लग गया कि भाई ये आदमी हमारे देश के लिए खतरा है, तो आपको अदर कंट्रीज बाकी दूसरे देश भी आपको शायद वो वहां पर आने के लिए मना बोलेंगे। पासपोर्ट देखते हैं आपका, वो ठप्पा देखते हैं आपको, सीधा बोलेंगे नहीं आप वापस इंडिया जाओ भाई। तो ऐसा काम मत करो भाई, मेरे कहने का मतलब है आपको कमरना लीगल तरीके से आ सकते हो, आप किसी सहायता, जैसे मान लो आपका कोई बंदा दोस्त रह रहा है लीगल तरीके से, किसी भी दुबई है मलेशिया है, मैं दुबई भी वीडियो बनाया था और आपको भी पता है बहुत सारे पहले वीडियो, अभी तो थोड़ा फर्क पड़ा है, लोग समझदार हो गए हैं, इससे पहले लोग बहुत इस चीज़ के लिए मतलब गलत तरीके से जा चुके हैं और बहुत लोग फंसे थे। और आपको देखा था सऊदी का, कतर का बहुत वीडियो आए थे रोते हुए कि भाई हम फंस गए हैं वो, तो ये आखिर ऐसा वीडियो बहुत आता है। तो इसलिए हमेशा भाई अगर मैं हूँ तो मेरे हाथ में कुछ नहीं रहता है। बहुत लोग बोलते हैं कि स्वतंत्र आप वहाँ पर हो तो हमारे लिए नौकरी ढूंढो, हम भाई नौकरी ढूंढने के लिए नहीं जाते हैं। देखो मैं सिर्फ आपको उधर से बता देता हूँ उधर क्या चीज़ है, क्या है, महंगा है सस्ता है, तो एक अनुमानित, अगर आप घूमने लिए आते हो कभी तो भविष्य में आपको पता चलेगा, या अनुमानित लगा सकते हैं बैठे बैठे भाई यहाँ इतना महंगा है, वो चीज़ सस्ती है, देखने के लिए क्या क्या चीज़ है। मैं मेरे हिसाब से देसी हिसाब से जो भी मेरे को आता है उसके हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ, दूसरा तो मैं आपको क्या कर सकता हूँ। तो ये चीज़ मतलब मैं इसलिए मैं वीडियो बना के एक एक का मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि भैया जो भी आपको बाहर जाना है देश में, तो आपको करेक्ट जो भी है वर्क वीजा पे जाओ, या अपने हमेशा कोई दोस्त है या कोई जान पहचान वाला बंदा है उनके साथ में से कोई संपर्क करो, ताकि बहुत ऐसी कंपनियां हैं अगर आप उसमें अच्छा काम करोगे, आपका दोस्त अच्छा काम कर रहा है तो वो खुद बोल देगा। जैसे मान लो हम इंडिया में भी कहाँ रहते हो
और कोई बंदा आपका भाई या कोई भी ऐसा आदमी भाई बंधु कोई किसी जगह पर कमा रहा है, किसी दुकान पे है, नौकरी पे है, वो साल 5 साल 10 साल अच्छा वहाँ पर प्रोग्रेस कर रहा है, अच्छा मतलब उसका वैलिडिटी उसका वैल्यू है, तो वो खुद बोलेगा सेठ कि भाई तू बहुत अच्छा निकला, तो तेरा जैसा कोई और बंदा रहे तो मेरे पास लाओ। तो ऐसा ही किसी पहचान के जरिए जाओ, एजेंट की दो रुपये ज़्यादा कमाने की शक्कर मत जाओ, ताकि आपका नाम बर्बाद हो और आपका जो भविष्य है कभी वो भी खराब हो, जेलों में सड़े रहो, वो अच्छा नहीं रहता आपके लिए, नुकसानदायक रहता है। आपको तो पता नहीं रहता है, परंतु मैं आपको बता देता हूँ। प्लीज इसके लिए ये वीडियो मेरे को बताना बनाना आवश्यक था, क्योंकि बहुत भाई साहब भी कमेंट मैसेज कर रहे थे भाई हमारे लिए ढूंढ नौकरी ढूंढो। भाई जो भी है मतलब अगर आप अच्छे पढ़े लिखे हैं और किसी कंपनी में जॉब है तो वो एक अलग चीज़ है, या आपके पहचान वाला है कोई जॉब होटल में वगैरह है तो अलग चीज़ है कि भाई हाँ कोई बात नहीं हमारा पहचान वाला है चलेगा। परंतु आप मतलब सिर्फ ऑनलाइन किधर भी सोशल मीडिया फेसबुक के माध्यम से देखा हुआ है कि आप इसमें आओ इतना पैसा दो 10,000-20,000 रुपये भरो आपके लिए नौकरी पक्की है, 30,000 दे देंगे 40,000 दे देंगे, आप क्या सोचते हो कि वहाँ पर सिंगापुर की बड़ी बड़ी बिल्डिंग है फेरने के लिए अच्छा है ना, ऐसा नहीं होता भाई। इधर आने के बाद में अगर आपके किराने है तो किराना जैसे ही रहता है, इंडिया में भी हर एक चीज़ आपको यहाँ पर लोडिंग का काम करना या कुछ भी करना तो वैसा ही करना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। सुख के 5 रुपये भी बराबर है और 1,00,000 रुपये भी दुख के कुछ काम के नहीं होते हैं, ये हमेशा मतलब छोसा करो। मेरे को तो कुछ नहीं, मैं तो एक कंट्री में 10 दिन बिताऊंगा, महीने बिताऊंगा, चला जाऊंगा, वो चीज़ है। परंतु हमेशा ध्यान रखो इस चीज़ के ऊपर, थोड़ा मतलब आराम से अगर भला करने वाला आप वहाँ पे भी अच्छा कर सकते हो, किसी दुकान पे भी रह सकते हो। हाँ आपको 10,000 सैलरी मिलेगी, 8,000 मिलेगी, तो वही 5 साल रहोगे तो आपका 20,000 सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हमेशा थोड़ा आप इस बात का भी ध्यान रखो भाई, ताकि आपके लिए अच्छा है। और मेरे को तो ऐसा बहुत दुख लगा, बहुत वहाँ पर मैंने उन लोगों को बातें सुन के यार बहुत बुरा लगा मेरे को कि भाई आप ऐसा है, क्योंकि भाई हमारे को पता ही नहीं था, हमारे को तो सिर्फ बोला गया था कि आपका वीज़ा वगैरह है आप जाओ आराम से और बस आ गए। पर कोई बात नहीं, मेरा यही कहना है आप सभी मित्रों से कि आप थोड़ा जो भी आओ देख कर आओ, थोड़ा ऐसा समझ करो। हाँ सैलरी मिल जाती है 30-40,000 आपको मिल जाती है, अगर आप अच्छे काम करते हो तो 50,000 भी मिल जाती है, 50,000। परंतु कोई ऐसे बंदे उनको बेचारे को 20,000 ही मिल जाती है, तो इंडिया में 15,000-10,000 तो मिल ही जाती है, तो फिर इधर आने से फायदा क्या है। तो ये डबल देख के ऐसा लालच में आके मत पड़ो, लालच बहुत बुरी चीज़ होती है। हमेशा अपने देख कर अपने रिश्तेदार कौन है उधर क्या है वो देख के आओ, ताकि आप मतलब वो इंडिया नहीं है कि हम जो भी बोल सकते हैं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ये विदेश है, तो इसके हिसाब से रहना पड़ता है। तो मेरा यही कहना है भाई कि बस इस चीज़ के लिए बस क्या हो, बस मेरा यही मानना है भाई, ठीक है, इसलिए मैं ये वीडियो बनाना पड़ा, प्लीज सॉरी, ठीक है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और बाकी तो वीडियो भी देखते रहिए आप, और मेरे वीडियो अच्छे लगे तो शेयर भी जरूर करें, धन्यवाद। और यहाँ पर देख सकते हो पूरा मार्केट लगा है फूल माला भगवान के लिए, नींबू वगैरह सुपारी वगैरह, ठीक है ना, पूरा मार्केट लगा देखो, नारियल नींबू सब, कोई चीज़ की कमी नहीं है, पूजा आज यहाँ से लेके जा सकते। हाय ब्रो, हाउ आर यू? आई एम फ्रॉम फाइन, वेरी फ्रॉम इंडोनेशिया। इंडोनेशिया? तो भाई साहब इंडोनेशिया से है, और मैंने भी वीडियो बता दिया है इंडोनेशिया के बाली के जो वीडियो थे। ओके नाइस, थैंक यू ब्रो, यू कम इंडिया? ओके यू कम इंडिया नेक्स्ट ईयर? नेक्स्ट ईयर श्योर? श्योर प्रॉमिस? इंशाल्लाह। ठीक है, इस लोकेशन नाम? क्वालालंपुर कॉन्वेंशन सेंटर। ये लोकेशन है क्वालालंपुर कॉन्वेंशन सेंटर, सेंटर है ये। यहाँ पर कितना मस्त मॉल है। यू कमिंग इन हॉलीडे? यस आई एम हॉलीडे। हाउ मेनी पीपल? सेवन पीपल? यस। ओके गो टू बैक। How many days? 4 days?